हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम डीडी फ्रीडिस के जितने भी MPG4 यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। आपने हमारी पिछली भी वीडियो देखी होंगी जिनमें कुछ नई अनबॉक्सिंग की है, लेकिन पहली बार डिस्नी चैनल MPEG-2 यूज़र्स के लिए कुछ लेकर आया है, वो भी स्पेशल। अगर आप एक MPEG-4 यूज़र हैं, MPG-4 बॉक्स यूज़ करते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए नहीं है। आप यहीं पर स्टॉप करके इसे एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MPG-2 यूज़र्स हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे उसके एक नए सेटअप बॉक्स के बारे में जिसका मॉडल नंबर है 1818। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यह है डिलोस कंपनी का एक नया सेटअप बॉक्स। हाई गेन क्वालिटी के साथ आपको यह मिलता है। डिजिटल सेटअप बॉक्स है, MPEG-2 फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स आपको यहां पर मिलेगा 300 वॉट आउटपुट कट के साथ। हाँ, आप बॉक्स में नीचे देख पाएंगे सभी फीचर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। अगर आप लोकल मार्केट से MPEG-2 बॉक्स खरीदते हैं, वह सस्ता होता है, इसलिए मैं MPEG-2 बॉक्स खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि MPEG-2 की बजाय MPEG-4 बॉक्स ही लीजिए, ताकि आपका मनोरंजन सही से बना रहे और आपको सिग्नल क्वालिटी अच्छी मिले, जिसमें पिक्चर क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। MPEG-2 में आपको ऑडियो वीडियो केबल मिलती हैं, जिससे क्वालिटी घट जाती है। लेकिन बहुत से यूजर्स फिर भी ऐसे हैं जो केवल MPEG-2 रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका बजट कम है और MPEG-2 300 से 500 रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन लोकल मार्केट में जो आप 300 से 500 रुपए के बॉक्सेस परचेज करते हो, उनका जो कार्ड होता है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, जिससे आपको सिग्नल की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग MPEG-2 बॉक्स ही खरीदना चाहते हैं तो कोई अच्छी कंपनी का लीजिए। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वह डिलोस कंपनी का है, यानी सॉलिड का ही मान लीजिए। सॉलिड का यह बॉक्स केवल 466 रुपए में आपको मिलता है, जिसमें कार्ड आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको बिल भी दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि केवल यह 466 रुपए का है। यहां पर देख सकते हैं डिलोस डिजिटल IT 1818 बॉक्स, जिसका प्राइस आप यहां पर देख पाएंगे 466। तो अगर आप बॉक्स लेना चाहते हैं MPEG-2 ही, तो यहाँ पर डिलोस का ले सकते हैं। वैसे डिलोस के साथ साथ और भी कंपनीज़ के कई मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल 1818 के बारे में बात करेंगे, जो कि एक MPEG-2 बॉक्स है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, किस प्रकार के फ़ीचर होंगे, किस प्रकार की क्वालिटी होगी, वो सब देखेंगे। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स की बात करें तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर कुछ फ़ीचर्स बताए हुए हैं। अगर लोकल मार्केट से आप बॉक्स लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है। यहाँ पर इस प्रकार पैकिंग मिलेगी। रिमोट वैसे ही है जैसे आप लोकल मार्केट में लेते हैं, लेकिन उन बॉक्सेस के रिमोट को आप इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी की का फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर है यहाँ पर ऑडियो वीडियो केबल, ये है अडैप्टर। यहाँ पर क्वालिटी देखिए अडैप्टर की, काफ़ी हैवी क्वालिटी है। और ये 12 वोल्टेज 1 एम्पियर में। और ये है सेटअप बॉक्स। तो इस प्रकार ये सामान मिलता है हमें। सेटअप बॉक्स देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटा सा बॉक्स है। अगर लोकल मार्केट में परचेज़ करेंगे तो काफ़ी बड़ा बॉक्स देखने को मिलता है, और ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी में ही मिलेगा। सामने में देखेंगे तो आपको की मिलेगी और ये पैनल है। ऊपर की तरफ डिलोस मॉडल नंबर, डिजिटल सेटअप बॉक्स, फ्री टू एयर, हाई गेन ट्यूनर के साथ ये मिल रहा है। आपको जो क्वालिटी यहाँ पर मिलेगी वह कहीं नहीं मिलेगी। अब बैक की बात करें तो LNB इन आउट का ऑप्शन है, वही सेम जो आपको MPEG-2 में मिलते हैं। पावर यहाँ पर साइड में कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ये दो पोर्ट खाली मिलेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये 7272 MPEG-4 बॉक्स की है, और ऐसा भी कह सकते हैं 6363 या 7272। तो इस प्रकार के जो मॉडल हैं वह MPEG-4 बॉक्स के मॉडल हैं, और यहाँ पर केवल कार्ड को डाल दिया गया है, MPEG-2 कार्ड को यहाँ पर इनबिल्ट कर दिया है, बाकी बॉडी सेम है। काफ़ी हैवी बॉडी में है और छोटा सा बॉक्स है, सुंदर भी लग रहा है वाइट कलर में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी पिक्चर क्वालिटी और इसके फीचर क्या क्या है। तो फर्स्ट लुक इस प्रकार का देखने को मिलेगा। डिलोस कंपनी का नाम लोगो आएगा और फिर चैनल लिस्ट ओपन हो जाएगी। चैनल लिस्ट में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि आपके MPEG-2 में मिल रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो अब यहाँ पर मेनू का बटन प्रेस करके देख लेते हैं। मेनू का बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर चैनल लिस्ट देखने को मिलेगी, टीवी चैनल है, रेडियो चैनल, ऐड चैनल है। ऐड चैनल में आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जैसे आप अपने एमपेग 2 में देखते हैं कि चैनल कोई ऐड करना हो तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर आप फ्रीक्वेंसी डालकर स्कैन कर सकते हैं या किसी फ्रीक्वेंसी को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है सैटेलाइट, तो इस प्रकार सैटेलाइट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट सैटेलाइट, डिलीट सैटेलाइट, ऑटो स्कैन। यहाँ पर आप ऑटो स्कैन यहाँ इस प्रकार करेंगे तो चैनल लिस्ट आपकी स्कैन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है नेट सर्च मिलता है, सैटेलाइट सर्च, ये ऑप्शन आपके काम के नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही सैटेलाइट दिया हुआ है फिलहाल। फिर है पेड सर्च। इसके बाद मेन्यू में अगली कैटेगरी है सिस्टम की, जिसमें लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जो भी आपको चाहिए। फिर है टीवी सिस्टम। फिर उसके बाद ऑटो शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, ओएसडी सेटिंग का ऑप्शन है, स्टाइल आप कोई भी देख सकते हैं। पेरेंटल लॉक अगर लगाना चाहते हैं तो 4 बार टाइम 000 पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पर अपनी मनचाहे चैनल को लॉक कर सकते हैं। फिर है इन्फॉर्मेशन टूल में इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इन्फॉर्मेशन में आपको कंप्लीट चैनल की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर गाइड, सैटेलाइट गाइड। इसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन है, इसमें कोई काम नहीं है। तो ये थे फंक्शन, केवल इस प्रकार का ही इंटरफेस आपको मेन्यू में मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार कंपनी के कोई भी सेटअप बॉक्स परचेज करते हैं तो आपके लाइफ टाइम चल सकते हैं, लेकिन हम हर बार एमपैक 4 बॉक्स ही बोलते हैं। अगर आपके पास बजट है तो एमपैक 4 लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं, 700 रुपये से 900 रुपये तक के बीच में आपको अच्छी क्वालिटी का बॉक्स मिल जाता है। एमपैक 2 बॉक्स में आपको एमपैक 4 बॉक्स वाले चैनल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हमने एमपैक 4 बॉक्स ले लिया तो एमपैक 2 वाले बंद हो जाएंगे, ऐसे बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं कि एमपैक 4 बॉक्स लेने के बाद एमपैक 2 वाले चलेंगे या नहीं चलेंगे। देखिए एमपैक 2 तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन आपके जो एमपैक 4 फॉर्मेट वाले चैनल हैं वह भी आपके चलने लगेंगे। टोटल 22 चैनल्स हैं आज की डेट में जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले टाइम में एमपैक 4 का ही जमाना है, एमपैक 2 बॉक्स किसी काम के नहीं है। यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी भी लो दिखाई देगी, फिर भी अगर आप एमपैक 4 नहीं लेना चाहते हैं तो डिलोस कंपनी या सोलिड कंपनी का कोई बॉक्स ले लीजिए, जिससे आपके सिग्नल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नल के रिगार्डिंग भी हमारे पास बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत सी कंप्लेंट रहती हैं कि हमारे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सब कुछ कर लिया, उसका बड़ा रीजन सेटअप बॉक्स भी हो सकता है। तो यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए अपडेट में, तब तक धन्यवाद।